पिलानी कस्बे के निकटवर्ती गांव मोरुआ में आम रास्ते पर पानी भराव से राहगीरों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के रमेश गुजर ने बताया कि पानी गांव के मुख्य मार्ग पर भर जाता है जो कि पुरोहितों के वास में जाता है। बहुत से बाइक सवार जल भराव के कारण गिरकर घायल हो चुके हैं। गाँव के सरपंच अन्नू देवी व बीडीसी मेंबर सजना देवी ने बताया कि सरकार द्वारा निकासी के लिए नंदाराम जांगिड़ के खेत में बोरिंग करवाया था जिसमें कई सालों से गांव का गंदा पानी बोरिंग में जाता था, परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से अब उन्हें बंद कर दिया गया है जिसके चलते जल भराव की समस्या हो रही है। गांव के लोगों के समझाइश के बाद भी वह हट पकड़े हुए हैं जिससे गांव के राहगीर व अन्य लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब मजबूर गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द ही सड़कों पर भरने वाले जल भराव की समस्या को दूर करने की मांग की है। और रखाई खोद रखी है और यो पानी माटी उड़ने कर रखी है पूरी देख लियो के तो लोन चाहिए भाई करो और नहीं क्यों को खुदवाओ सरकार का पैसा कौन लग गया कि नहीं पैसा दो। किसका खेत है ये खातिया खेत है मैं अन्नू देवी सरपंच ग्राम पंचायत मोरवा से हूँ और मैं इस पानी के बारे में बोल रही हूँ कि ये गंदा पानी है और ये सब परेशान हैं इस गंदे पानी से। पिछली योजना में जो इस गंदे पानी के लिए बोरिंग बनाया गया था और अब की बार उसको बंद कर दिया गया है और उसकी पाइप वगैरह सब तोड़ दी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि या तो ये बोरिंग खुले ये गंदा पानी इसमें जाए या फिर सरकार का पैसा दो पैसा कौन लगे सरकार का सरकार के पैसे भी यूज हैं सब परेशान हो रहे हैं इस पानी से। पानी पर यार समस्या तो करीबन 10 साल हो गई होगी और जो ऐ साइड में है यो एक डेढ़ साल से कर दियो वो उठा बोरिंग बनाया 5 लाख रुपया भी मान लो सरकार का उठा लग गया है और सरकार का पैसा ला रहे हैं बोरिंग में और वो बोरिंग खुला है बंद कर दियो रास्ता भी कौन छोटा के खाई खोई खोद के भी सारी है माटी है पूरी रोड के ऊपर कर दियो ना बोरिंग तो बंद सो कर दियो रोड ने बंद कर दिया एकदम रोड ने खुला 18-20 फुट का बोरिंग में तो सरकार का पैसा ला रहे हैं तो सरकार का ला रहे हैं वो तो अटक खोल सके हैं या तो कोई जमीन मिले जितो पंचायत कर दे बंदोबस्त है चीज को माने कोई सो पंचायत मना कर दे कोई काम करने साथ चार हां तो आज तक बना दे जगह को नहीं मिली घर से और पानी की निकास साबित नहीं है वो इतनी नाली बनी नहीं सड़क का नहीं है माने निकास रही हो पानी का नाली नहीं लगा और वो बोरिंग है वो बोरिंग खोल दो